हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सैटरडे है और बड़ा प्यारा मौसम है, धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मई का महीना है लेकिन अभी गर्मी जो है वो सही करके नहीं आई। और आज मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पीछे जो कोई ग्रास नज़र आ रही है, ये जो सारी ग्रास है ये काटनी है क्योंकि बड़ी होती जा रही है। तो समर में ये होता है कि हमें काटनी पड़ती है, साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एरिया है मेरे घर का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी ग्रास यहाँ क्योंकि कार्नर वाला घर है तो इसलिए जो ग्रास है वो ज़्यादा काटनी पड़ती है। वो आगे तक है, जहाँ तक ब्लैक गाड़ी खड़ी है वहाँ तक मेरा एरिया है, तो मुझे वहाँ तक जो है वो मुझे जो है ग्रास जो है वो काटनी पड़ेगी। तो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई लेकिन मैं आज ग्रास कटर लेने जा रहा हूँ। पीछे मेरे बैकयार्ड में भी ग्रास है, वो भी बड़ी हो रही है। वो मैं आपको बैकयार्ड दिखाता हूँ कि ये जहाँ तक ब्लैक गाड़ी है यहाँ तक जो है वो मेरी ग्रास है। तो ये एरिया जो है इसमें ग्रास काटूँगा आज। बैकयार्ड है, यहाँ पे भी ग्रास काटनी है। ये छोटी सी गोल जगह देख कह रहे होंगे आपके ये क्या है, इधर ग्रास नहीं है। तो यहाँ पर एक स्लाइड लगी थी पहले। अभी बस मैं घर से निकलने के लिए तैयार हूँ। पहले दो स्टोर पे जाऊँगा, एक कैनेडियन टायर और उसके बाद होम डिपो चेक करूँगा कि कहाँ पे प्राइस जो है वो बेटर लगी है इसकी ग्रास कटर की। तो जहाँ पे मुझे अच्छी जो है वो डील मिलेगी वहाँ से मैं बाय कर लूँगा। चले मेरे साथ। होम डिपो पे पहुँच चुके हैं हम, मेरे पीछे होम डिपो है, चले अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रास कटर में नज़र आए हैं। ये ग्रीन वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये 298 का, साथ वाला जो है वो 198 का लगा हुआ है। इसकी जो प्राइस है ये वाला जो है ये 448 का है और उसके आगे वाला 568 का है। तो अभी देखते हैं इनमें से कौन सा बाय करते हैं जो रिजनेबल भी हो और काम भी सही करता हो। होम डिपो पे तो चेक कर लिया है, अब देखते हैं जाके कैनेडियन टायर और वहाँ पे देखते हैं क्या प्राइसेस हैं और क्या डील है। अभी कैनेडियन टायर पे पहुँचा हूँ, देखते हैं अंदर जाके। कैनेडियन टायर के अंदर पहुँच चुके हम, यहाँ पे देखते हैं कि वो किस साइड पे लगे हैं। मुझे लगता है सीधा ही जाएंगे तो आगे लेफ्ट साइड पे होंगे, चेक कर लेते हैं। होम डिपो पे मैंने चेक कर लिया था, वहाँ पे प्राइसेस वगैरह चेक किए हैं, तो मैंने कहा है अब जाके कैनेडियन टायर पे चेक करते हैं यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं। उसके अलावा मेरे दोस्त ने मुझे एक और स्टोर का भी बताया, उसका भी चेक करना है जाके। यहाँ पर लगे हुए हैं जी ऊपर, उनमें इलेक्ट्रिक भी होते हैं और गैस वाले भी होते हैं। अब देखता हूँ मैं कौन सा बाय करता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक का यह है कि चल उसका बस ये कि उनको चार्ज करते हैं, कॉर्डलेस भी होते हैं और उनको ये है कि चार्ज करके यूज़ किया जाता है, इनमें जो है गैस डालनी पड़ती है। देखता हूँ कौन सा बाय करता हूँ। ये जो इस तरफ लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रिक है सारे, इनकी प्राइसेस जो है वो 299, 349, 699 एंड 750 जो हैं इनकी प्राइसेस हैं। और इसके आगे जो हैं वो सारे गैस वाले हैं, उनकी प्राइसेस रेंज भी जो है वो 239, 349, 399 और ऑल द वे वो 700 तक जो है जाते हैं एंड पे। तो डिफरेंट कंपनीज हैं यहाँ पे। कैनेडियन टायर में तो चेक कर लिया, मैं एग्जिट मारता हूँ यहाँ पर क्योंकि अभी देखता हूँ मैंने कहाँ से बाय करना है। एक और स्टोर है वहाँ पे जाके चेक करता हूँ, तो उसके बाद ही पता चलेगा।
मौसम जो है बहुत अच्छा है, अभी जो है वो धूप तेज़ होती जा रही है, तो यह है कि पहले ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो अब धूप की वजह से यह है कि ठंडी हवा का एहसास नहीं हो रहा। ये जी मैंने लॉन मोर 20 इंच वाइड है, कॉर्डलेस, सो इसमें बैटरी डलती है और ये बैटरी के साथ जो है वो चलता है, तो इसमें गैस वगैरह या की ज़रूरत नहीं होती। इसकी 4 साल की गारंटी है। इसको लगाना है ये यहाँ से उठा के, और यहाँ से कटिंग हो चुकी है, देखिए अब मेरी स्पीड ज़रा चेक करें, अब मैं बहुत तेज़ काटूँगा। यहाँ की कट चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी, अभी जो है इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन हमने एक दफ़ा काट ली। तो यहाँ कनाडा में आके सारे जो काम हैं वो खुद ही करने पड़ते हैं, ग्रास काटनी पड़ती है, घर की मेंटेनेंस वगैरह जो होती है वो ज़्यादातर इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, बाय बाय।